हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा। हमने टॉपिक शुरू कर रखा था डाटा टेबल वाला, जिसमें एक या दो वीडियो आपकी सेंड की थी और जो डाटा टेबल के लिए एक्सरसाइज थी वो भी आपको भेजी थी। अब देखो आगे कर रहे हैं हम इसी के अंदर, जो एक्सरसाइज भेजी थी उसी के क्वेश्चन से सोल्व करते हैं। देखो इधर ये कह रहा है, स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये सारी एक्सरसाइज की पीडीएफ आपको भेज रखी है बेटा, हो सकता है इसमें आपको साफ दिखाई ना दे तो आप वहाँ से देख लेना। कहता है नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड विद 5 कॉलेजेस ओवर द ईयर्स। टेबल को कैसे रीड करना है हमें, कौन कौन से ईयर की बात कर रहा है, 2004, 2005, 6, 7, 8, और कॉलेजेस के नाम क्या क्या दिए, ए बी सी डी ई कॉलेज। 5 कॉलेज हैं और 5 अलग अलग ईयर्स की ये बात कर रहे हैं। क्या कहता है देखो, कहता है इफ फ्रॉम कॉलेज बी इन 2007, 2007 में बी कॉलेज की बात कर रहा है, तो अगर हम इस डाटा को ढूंढें तो 2007 में बी कॉलेज में आपके पास डाटा कितना है, 360 जो एनरोल्ड हुए। कहता है 80% ऑफ द स्टूडेंट एनरोल्ड अपीयर इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। 360 जो थे ना वो एनरोल्ड हुए, उनका 80% जो है ना वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होते हैं। 360 का 80% तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होते हैं। और फिर कहता है जितने बच्चों ने पेपर दिया, आउट ऑफ विच 75% स्टूडेंट पास्ड, उनमें से 75% स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, पास होते हैं। तो कहता है हाउ मैनी स्टूडेंट पास्ड द एग्जामिनेशन, कितने ऐसे बच्चे होंगे जो एग्जाम में क्या होंगे, पास होंगे, या यूं कहें एग्जाम को क्या करेंगे, पास करेंगे, क्लियर करेंगे। तो देखो बेटा यहाँ पे बात हो रही थी 2007, 2007 तो ईयर की, और कौन से कॉलेज की बात कर रहा है, बी कॉलेज की बात कर रहा है, तो कितने स्टूडेंट एनरोल्ड थे, 360। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि 360 का 80% इतने स्टूडेंट ने क्या किया, एग्जाम दिया। तो हम पहले क्या करेंगे, 360 का 80% निकालेंगे, 80% ऑफ 360, इसे सोल्व कर लो। यह आ जाएगा आपका 80 अपॉन में 100 इंटू में 360, जितना कैंसिल हो आप कर दो। अब कहते हैं कि ये जो आया, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम दिया उसका सिर्फ 75% स्टूडेंट ही क्या हुए, पास हुए। तो हम क्या निकालेंगे, 75% ऑफ किसका, 8 × 36 का, इसे सोल्व कर देंगे। 75 अपॉन में 100 इंटू में 8 × 36, तो ये जो आएगा ये आपके वो नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे जो उस एग्ज़ाम में क्या होंगे, पास होंगे। आप सीधा भी कर सकते थे कि पहले हमने 360 जो एनरोल्ड स्टूडेंट थे उसका 80% निकालो और ये जो आया उसका 75% निकालो, एक ही बात रहेगी। नेक्स्ट देखो बेटा क्या कहता है, कहता है इन 2005 फ्रॉम ऑल द कॉलेजेस टुगेदर ऑन ओवरऑल 40% ऑफ द स्टूडेंट एनरोल्ड फॉर ए कंप्यूटर कोर्स। कहता है 2005 ईयर में सभी कॉलेजेस की बात करता है, तो हम सभी कॉलेजेस का डाटा उठाएंगे, कौन कौन सा उठाया जाएगा, 480 तो एनरोल थे कॉलेज ए में, 350 एनरोल थे कॉलेज बी में, 380 एनरोल थे कॉलेज सी में, 500 थे डी में और 540 थे ई में। ये कहते जितने एनरोल्ड थे इनका 40%, कहते ओवरऑल 40% ऑफ द स्टूडेंट एनरोल्ड फॉर ए कंप्यूटर कोर्स, इन टोटल का 40% ने किसी कंप्यूटर कोर्स के लिए एनरोल किया। कहता है हाउ मैनी स्टूडेंट एनरोल फॉर द कोर्स, तो हमें ये बताना है भाई कंप्यूटर कोर्स के लिए जो एनरोल्ड स्टूडेंट थे वो कितने हैं, तो हम निकाल देंगे। देखो 2005 तो ईयर की बात कर रहा है और इसके सभी कॉलेजेज, 2005 में सभी कॉलेजेज में एनरोल्ड स्टूडेंट थे, तो क्या क्या आएगा, 480 कॉलेज ए में, 350 कॉलेज बी में, प्लस में 380 कॉलेज सी में, 500 कॉलेज डी में और 540 कॉलेज ई में। ये तो टोटल स्टूडेंट हैं जो 2005 में सभी कॉलेजेस में एनरोल्ड थे। कहते ये जो टोटल आया इनका 40%
टोटल के 40% ने कंप्यूटर कोर्स के लिए अप्लाई किया, तो इस टोटल का 40% निकाल देंगे। यहाँ से हमें ये मिल जाएगा कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो कंप्यूटर कोर्स के लिए क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, फिर कहते हैं व्हाट इज़ द रेशियो, रेशियो पूछ रहे हैं बिटवीन द एवरेज। अब एवरेज का टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। कहते हैं व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड विद ऑल कॉलेजेस टुगेदर इन 2007 एंड 2008 रिस्पेक्टिवली। कहते हैं 2007 के और 2008 के, 2007 के सभी कॉलेजेस का टोटल निकालेंगे कितने स्टूडेंट एनरोल्ड हैं, और 2008 के भी हम सभी स्टूडेंट निकालेंगे कि कितने स्टूडेंट एनरोल्ड है, और उनका क्या निकालना, हमें रेशियो निकालना है। तो आपको टेबल में से डाटा अच्छे से लेना है। देखो 2007 के अगर हम लेते हैं ना, तो सभी कॉलेजेस का डाटा अगर उठाते हैं तो कॉलेज ए में 460 स्टूडेंट एनरोल्ड हैं, कॉलेज बी में 360 स्टूडेंट एनरोल्ड हैं, कॉलेज सी में 430 स्टूडेंट एनरोल्ड हैं, कॉलेज डी में 470 स्टूडेंट एनरोल्ड हैं, और कॉलेज ई में 480 स्टूडेंट एनरोल्ड हैं। हमें इसका रेशियो किसके साथ निकालना है, देखो ये तो हैं जो 2007 के थे, इसका रेशियो निकालना है 2008 के जो स्टूडेंट हैं, टोटल स्टूडेंट एनरोल्ड हैं सभी कॉलेजेस में उसके साथ। तो 2008 वाले अगर हम लिखें तो वो हमारे पास है 470 प्लस में 340 प्लस में 390 प्लस में 530 और प्लस में ई कॉलेज में भी कितने हैं 530। तो इनका टोटल निकालेंगे और 2008 वालों का टोटल निकालेंगे, और इन दोनों का हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। यही पूछ रहा है कि 2007 के सभी कॉलेजेस के एनरोल स्टूडेंट का रेशियो 2008 के सभी कॉलेजेस के एनरोल स्टूडेंट के साथ क्या आएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, ये कहता है एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट, और एक सेकंड बेटा, ऊपर वाले क्वेश्चन में इसने एवरेज कही है, तो ये तो हो जाएगा 2007 का टोटल और इसको 5 से डिवाइड करेंगे, और ये 2008 का टोटल इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे, बात वही रहेगी, वो 5 से 5 कैंसिल करके वैसे सोल्व कर रहे हैं ना, चाहे पहले डिवाइड करके उसके बाद सोल्व कर रहे ना, बाकी इसने एवरेज का रेशियो पूछा था। नेक्स्ट देखो, कहते हैं एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड फ्रॉम कॉलेज बी। पहले हम बी कॉलेज के जो एनरोल्ड स्टूडेंट हैं उनके एवरेज की बात कर रहे हैं, फॉर ऑल द ईयर, सभी ईयर की बात कर रहे हैं। टुगेदर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड फ्रॉम कॉलेज सी फॉर ऑल द ईयर्स टुगेदर। पहले सुनो बेटा, बी कॉलेज जो हमारे पास है, हम बी कॉलेज के जो टोटल एनरोल्ड स्टूडेंट है वो निकाल लेते हैं, फिर उनकी एवरेज निकाल लेते हैं। हमें ये बताना है कि वो कितना परसेंट होगा सी कॉलेज के जो एनरोल्ड स्टूडेंट है उनकी एवरेज का। देखो अगर हम बी कॉलेज की बात करें तो बी कॉलेज में जो एनरोल्ड स्टूडेंट है, टोटल सभी ईयर की बात हो रही है, तो बी में है 320 प्लस में 350 प्लस में 300 प्लस में 360 और प्लस में 340, और इनकी क्या पूछी है, एवरेज। तो टोटल कितने इयर्स की बात हो रही है, 5 की। कहते हैं ये कितना परसेंट होगा। दूसरा कॉलेज कौन सी बात कर रहा है, ये सी कॉलेज की बात कर रहा है। सी कॉलेज के सभी इयर्स के जो एनरोल स्टूडेंट का एवरेज है वो कितना परसेंट होगा, तो सी का लिखो, सी का है 400 है 2004 के लिए, 380 है 2005 के लिए, 410 है 2006 के लिए, 437 के लिए और 390 2008 के लिए, इनकी एवरेज तो 5 से क्या कर दो, डिवाइड। तो ये कहते हैं ये जो डाटा आया आपका बी कॉलेज के सभी इयर्स के जो एनरोल स्टूडेंट का एवरेज है वो सी कॉलेज के एनरोल स्टूडेंट के एवरेज का कितना परसेंट होगा। तो देखो परसेंटेज वाले में आपको क्या देखना होता है, भी हमारी बेस वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे बेस वैल्यू का काम क्या करेगा, ये करेगा, इसको सोल्व करने से जो आपको मिलेगा वो अपोन में जो सी कॉलेज के लिए है वो, और मल्टीप्लाई में क्या करेंगे 100। तो ये आ जाएगा कि बी कॉलेज के एनरोल स्टूडेंट का एवरेज सी कॉलेज के एनरोल स्टूडेंट के एवरेज का कितना परसेंट होगा। नेक्स्ट देखो बेटा,
ये कहता है इन 2006, 2006 की बात कर रहा है, फ्रॉम ऑल कॉलेजेस टुगेदर। तो पहले हम 2006 के सभी कॉलेजेस का इकट्ठा देखें अगर, तो देखो ए कॉलेज के लिए 2006 की बात हो रही है। अगर हम ए कॉलेज के लिए लेते हैं तो ए का है 420, बी कॉलेज का है 300, सी कॉलेज का है 410, डी कॉलेज का है 520 और ई कॉलेज का है 460। ध्यान से सुनो, कहते हैं 2006 में सभी कॉलेजेस का हमने इकट्ठा कर लिया, 8% ऑफ द स्टूडेंट एनरोल्ड वेंट अब्रोड। कहते हैं कि जो 2006 के सभी कॉलेजेस के एनरोल्ड स्टूडेंट हैं उनका 8% निकालो, और ये 8% क्या है, ये 8% वो स्टूडेंट हैं जो अब्रोड गए। बाद में हमसे क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी स्टूडेंट वेंट अब्रोड, तो कितने ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अब्रोड गए। तो ये तो हमारे पास डाटा है जो 2006 के सभी कॉलेजेस के एनरोल्ड स्टूडेंट का टोटल है। फिर वो क्या कहता है, इसका 8% निकाल लो, इनके टोटल का 8% जो था वो स्टूडेंट ऐसे थे जो अब्रोड गए थे। तो इसको सोल्व कर लेंगे, 8/100 आएगा, इसको सोल्व करके रख लेना। तो ये जो आएगा ये वो नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे जो कहाँ गए, अब्रोड गए, और यही हमें इसके अंदर बताना था। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट टेबल में क्या कहता है, कहता है स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कहता है नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग 5 डिफरेंट डिसिप्लिन्स फ्रॉम 5 इंस्टीट्यूट। 5 अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं और 5 ही अलग अलग कोर्सेज हैं। एक तो बता रहा है कौन कौन से हैं, देखो इंस्टीट्यूट तो नाम दे दिया इसने ABCDE, और जो डिसिप्लिन दी वो क्या क्या दिया इसने आपको, आर्ट्स कॉमर्स साइंस मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर साइंस। टेबल हमें पढ़नी है, जैसे आपसे यूँ कह दिया जाए कि भी डी इंस्टीट्यूट में कितने ऐसे हैं जो मैनेजमेंट कोर्स में हैं, तो डी इंस्टीट्यूट में मैनेजमेंट कोर्स में कितने हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे। आपसे यूँ कह दिया जाए भी बी इंस्टीट्यूट के साइंस और कंप्यूटर साइंस का टोटल बताओ, तो बी इंस्टीट्यूट में साइंस में कितने, 400, कंप्यूटर साइंस में कितने, 320, तो इन दोनों का टोटल बता देंगे 400 प्लस में 320। टेबल रीड करते टाइम आपको गलती नहीं करनी है। अब इसका क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्या कहता है, कहते हैं व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग कॉमर्स फ्रॉम ऑल द इंस्टीट्यूट टुगेदर। सभी इंस्टीट्यूट के कॉमर्स के स्टूडेंट्स का एवरेज पूछ रहे हैं। तो देखो बेटा टेबल के अंदर ध्यान से देखो, इंस्टीट्यूट ए में, इंस्टीट्यूट ए के अंदर अगर हम कॉमर्स के स्टूडेंट लेते हैं तो वो हैं 260 प्लस में। अगर इंस्टीट्यूट बी में हम कॉमर्स के स्टूडेंट लेंगे तो वो है 320 प्लस में। सी इंस्टीट्यूट में कॉमर्स के स्टूडेंट हैं 300, डी इंस्टीट्यूट में कॉमर्स के स्टूडेंट हैं 480 प्लस में, ई इंस्टीट्यूट में कॉमर्स के स्टूडेंट हैं 360। आपसे पूछा क्या गया है कि सभी इंस्टीट्यूट के कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं उनका एवरेज बताओ। तो ये तो हो गया टोटल, और इंस्टीट्यूट कितने आपके, 5 हैं, तो अगर हम एवरेज निकालेंगे तो 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये जो डाटा आएगा ये क्या आएगा आपका, कि सभी इंस्टीट्यूट के कॉमर्स के स्टूडेंट का एवरेज क्या होगा। नेक्स्ट देखो बेटा, कहते टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग आर्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ए एंड बी। इंस्टीट्यूट ए और इंस्टीट्यूट बी के आर्ट्स के स्टूडेंट की बात हो रही है, इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट, वो कितना परसेंट होगा ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग कंप्यूटर साइंस फ्रॉम दीज टू इंस्टीट्यूट। ए और बी इंस्टीट्यूट के ही कंप्यूटर साइंस के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का कितना परसेंट होगा। तो सबसे पहले तो आप यहाँ से देखो कि ए और बी इंस्टीट्यूट की बात हो रही थी और आर्ट्स हमें लेना था, तो ए इंस्टीट्यूट में आर्ट्स के कितने हैं, 350, और बी में आर्ट्स के कितने हैं, 240। तो ए इंस्टीट्यूट और बी इंस्टीट्यूट में अगर हम आर्ट्स के स्टूडेंट लेते हैं तो इंस्टीट्यूट ए में तो हमारे हैं 350, और इंस्टीट्यूट बी में हमारे हैं 240।
ये हो गए इंस्टीट्यूट ए और बी के आर्ट्स के स्टूडेंट, इनका टोटल कर दो तो ये आपका कितना आ जाएगा 590। फिर क्या कहता है कि ए और बी इंस्टीट्यूट के ही, लेकिन अब की बात स्ट्रीम कौन सी लेनी है आपको, कंप्यूटर साइंस। देखो कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात करें तो इंस्टीट्यूट ए में तो कितने हैं 300 और इंस्टीट्यूट बी में कितने हैं 320। इंस्टीट्यूट तो ए और बी है लेकिन अब की बार आर्ट्स की बजाय बात हो रही है कंप्यूटर साइंस की, तो 300 तो इंस्टीट्यूट ए में है और 320 इंस्टीट्यूट बी में है, तो ये कितना आ गया 620। अब पूछता क्या है कि ए और बी इंस्टीट्यूट के आर्ट्स के जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो ए और बी इंस्टीट्यूट के कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट का कितना परसेंट होगा, यानी कि बेस वैल्यू का काम कौन करेगा, 620 करेगा। तो क्या निकालेंगे, 590 अपॉन में 620 मल्टीप्लाई में 100। ये आपका डाटा जो आएगा ये आ जाएगा कि आर्ट्स के जो स्टूडेंट हैं वो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट का कितना परसेंट होंगे, और इंस्टीट्यूट दोनों में सेम है, कौन कौन से, ए और बी। नेक्स्ट देखो बेटा, कहते नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग कॉमर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट डी। ध्यान से सुनो, डी इंस्टीट्यूट के कॉमर्स के स्टूडेंट की बात हो रही है, इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग ऑल द डिसिप्लिन टुगेदर फ्रॉम दीज दिस इंस्टीट्यूट। देखो क्या कहते हैं, डी इंस्टीट्यूट के कॉमर्स के स्टूडेंट की बात हो रही है, तो हम इस टेबल में से अगर रीड करें तो डी इंस्टीट्यूट में कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं वो 480 हैं। डी इंस्टीट्यूट की बात हो रही है और कॉमर्स के स्टूडेंट है 480, लेकिन ध्यान सुना के क्या कहता है कि डी इंस्टीट्यूट के कॉमर्स के जो स्टूडेंट है वो कितना परसेंट है ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग फ्रॉम ऑल दिस डिसिप्लिन टुगेदर फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट। डी इंस्टीट्यूट के ही सभी डिसिप्लिनस की, अब देखो डी में अगर हम आर्ट्स की लेते हैं तो वो है 440, अगर हम कॉमर्स की लेते हैं तो वो है 480, अगर हम साइंस की लेते हैं तो 420, अगर हम मैनेजमेंट की लेते हैं तो 120, और अगर हम कंप्यूटर साइंस के लेते हैं तो वो आएगा 340। आपसे पूछ क्या रहा है कि डी इंस्टीट्यूट के कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं वो डी इंस्टीट्यूट के सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स का कितना परसेंट होगा, तो बेस वैल्यू का काम आपका ये डाटा करेगा, ये टोटल हम निकाल लेंगे। तो क्या लिखेंगे, 400 अपॉन 480 अपॉन में ये जो टोटल आएगा वो, और मल्टीप्लाई में 100, ये डाटा आपका परसेंट में आएगा कि कॉमर्स के स्टूडेंट डी इंस्टीट्यूट के टोटल स्टूडेंट का कितना परसेंट होंगे। नेक्स्ट देखो बेटा, ये कहते हैं व्हाट इज़ द रेशियो, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, किसकी बात कर रहे हैं, स्टडिंग साइंस फ्रॉम इंस्टीट्यूट सी एंड डी। तो पहले तो इसमें ये देखो, सी और डी में अगर हम साइंस के स्टूडेंट उठाते हैं तो सी में तो हैं 360 और डी में है 420, सी में 360 और डी में है 420, इनका रेशियो किसके साथ है, साइंस फ्रॉम इंस्टीट्यूट सी एंड डी टुगेदर टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग कंप्यूटर साइंस फ्रॉम दिस टू इंस्टीट्यूट। इन्हीं दोनों इंस्टीट्यूट के कंप्यूटर साइंस की बात हो रही है, तो सी में तो कंप्यूटर साइंस में कितने हैं, सी में कंप्यूटर साइंस में है 380 और डी में कंप्यूटर साइंस में है 340। ध्यान से सुनो क्या कहते हैं कि सी और डी इंस्टीट्यूट में, सी और डी इंस्टीट्यूट के साइंस के जो स्टूडेंट हैं उनका रेशियो सी और डी इंस्टीट्यूट के कंप्यूटर साइंस के साथ हमें निकालना है, तो ये तो आ जाएगा साइंस का, ये कंप्यूटर साइंस का, सोल्व करके जितना पॉसिबल आप कैंसिल कर सकते हो करो, ये हमारा क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा कि इन दोनों का रेशियो कितना बनेगा। देखो बेटा, एक तो आप जो टेबल पढ़ो ना वो टेबल आपको ध्यान से पढ़नी है, टेबल में से डाटा उठाते टाइम भी आप दो बार चेक करो कि क्या हमने डाटा सही उठाया गया, क्योंकि फिर आगे वो कैलकुलेशन में लगने वाला टाइम आपका वेस्ट चला जाएगा अगर आपने डाटा ही जल्दबाजी में गलत उठा रखा है। तो एक तो आपको टेबल अच्छे से रीड करनी है, कौन से इंस्टीट्यूट की बात कर रहा है, कौन से स्ट्रीम की बात कर रहा है, कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहा है, जो भी उस टेबल में दे रखा है हमें डाटा ध्यान से लेना है। मेनली आपके दो ही टॉपिक बार बार यूज हो रहे हैं, एवरेज का और परसेंटेज का, और ये दोनों टॉपिक आपके हो गए थे। परसेंटेज में भी
बस ज़्यादातर गलती यही करते हैं कि भाई हमें बेस वैल्यू में क्या लेना है। अब स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो कि बात एवरेज की कर रहा है या टोटल डाटा की कर रहा है, तो इस तरह से आपको अच्छे से सोल्व करना है।